और चलिए बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही। निकाय चुनाव पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी, निकाय चुनाव पर कल फैसला आ सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई। सरकारी वकील ने कहा कि याचिका निजी स्वार्थ के लिए कोर्ट ने याचिका पर आपत्ति जताई। देखिए, सरकारी वकील की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, उनका कहना था कि याचिका जो है वो निजी स्वार्थ के लिए है, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका पर आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो, और देखिए कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि आज इस पूरे मामले पर फैसला संभव है। निकाय चुनाव को हरी झंडी मिलती है कि अब इंतजार और करना पड़ सकता है, इस पर आज फैसला कहीं ना कहीं संभव माना जा रहा था, लेकिन इसका इंतजार और करना पड़ेगा क्योंकि आज फैसला नहीं आया है और अब कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। दोनों पक्षों की तरफ से मजबूती से अपनी दलीलें रखी गई, दोनों जो पक्षों के वकील थे, जोरदार बहस इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में चली, लेकिन फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है, आगे भी इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। और विवेक त्रिपाठी फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार कोर्ट में ऐसा हुआ क्या कि कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी रहेगी और आज जो फैसला था, जो आना संभव माना जा रहा था, उसे थोड़ा टाला गया है? बिल्कुल ऐशी, देखिए मैं कोर्ट के अंदर ही मौजूद हूँ और इस समय सुनवाई खत्म हो चुकी है। हमारे साथ अपर महाधिवक्ता डीके शाही जी हैं, सीधे उन्हीं से कनेक्ट कराते हैं अपने दर्शकों को। सर जी नमस्कार। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे जब ये सुनवाई चल रही थी उस वक्त कोर्ट के अंदर क्या कुछ चला, क्या कुछ हुआ? नहीं देखिए, सुनवाई एक तो बहुत आखिर में नंबर आया इसका, और हमने कोर्ट के सामने अपना जो भी हमारा काउंटर एफिडेविट था, तो जो भी विद इन टाइम था, हमने सारे काउंटर एफिडेविट सबको सर्व कर दिए थे। इसके बाद किसी एक पेटिशनर ने कहा कि साहब इसमें काउंटर एफिडेविट की हमको डिटेल्ड रिप्लाई चाहिए हर चीज की, तो उसपे कोर्ट इन्वाइट हो गई कि आप लोग पेटिशनर साइड से कहा कि आप इसको डिले मत करिए, अगर आप डिले टैक्टिक्स अपनाएंगे तो हम सिर्फ एक पीआईएल सुनेंगे, बाकी को अपने आप से डिटैच कर देंगे। एनीवेज कोर्ट ने फिलहाल उस कल की डेट लगाई है और कल इस पर पूरी सुनवाई होगी। जी, अब इस बीच अगर देखा जाए, क्योंकि फैसला आज कहीं ना कहीं संभव माना जा रहा था, कल कितना ये माना जाए कि फैसला आ ही सकता है, क्योंकि देखिए सभी जो पार्टियां हैं उन्हें इंतजार है और याचिकाकर्ता भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, दूसरी तरफ से सरकारी वकील भी ये कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, तो कल कितना बड़ा दिन माना जाए कि कल फैसला आ ही सकता है या और इंतजार करना पड़ेगा? अब देखिए ऐसा है कि जहां तक कागजी कार्रवाई की बात है, सारा काउंटर एफिडेविट और जॉइंडर एफिडेविट आ चुका है, अब सिर्फ इसमें सुनवाई फाइनल होनी है और कल मोस्ट प्रोबेबली इसकी सुनवाई होकर जजमेंट आ जाना चाहिए एट द अर्लीस्ट। जी, कल आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा? नहीं, हमने आज भी अपने काउंटर एफिडेविट में बहुत स्पेसिफिकली कह दिया है कि हम जो भी, चाहे ओबीसी हैं चाहे किसी भी क्लास के लोग हैं, सबके लिए हम कटिबद्ध है, हमारा पूरा जो भी रिजर्वेशन उनके लिए है उसके लिए हम कटिबद्ध है, वो सबको दिया जाएगा, कोई इससे वंचित नहीं रहेगा कोई भी किसी भी सीट पे। हाँ, जिसके लिए जो भी एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया है और इसके बाद जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा, उसका हम पूरा सम्मान करेंगे। अच्छा, ये भी सर कहा जा रहा है कि जो याचिका आपकी तरफ से रखी गई थी कोर्ट की तरफ से वो स्वीकार नहीं की गई, कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसे स्वीकार किया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कोर्ट ने अपने आदेश में ही लिखा था कि सिर्फ हम इसमें कानूनी पक्ष को अपने वर्णित करें। कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा, कोर्ट के लास्ट ऑर्डर में देखें आप तो उन्होंने कहा जो भी लीगल इशू इन्वॉल्व है एक हम कंपोजिट काउंटर एफिडेविट सिर्फ एक फाइल करें कवरिंग लीगल इश्यूज इन ऑल द पिटीशंस दैट वी हैव डन। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा और इसके बाद जब पिटिशनर साइड से कुछ लोगों ने कहा कि हमें इसमें डिटेल्ड काउंटर चाहिए, पैरा वाइज चाहिए, तब कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम डिटेल्ड पे आप लोग कह रहे हैं तो ये मैटर लिंगर ऑन होगा, जो हम नहीं चाहते और सरकार भी नहीं चाहती और हम लोग भी नहीं चाहते, तो इस पे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। जी हाँ, तो क्या अब ये माना जाए, क्योंकि आपकी तरफ से भी मजबूती से दलील रखी गई है अपनी, आपकी तरफ से आप क्या चाहते हैं, कैसा फैसला चाहते हैं कोर्ट से आप लोग? नहीं देखिए, हम तो फैसला वही चाहेंगे जो कानूनी रूप से सुदृढ़ हो और भारतीय संविधान के अनुरूप हो, और जो भी ऐसा फैसला आएगा वो मान्य होगा। वैसे भी हम सरकारी पक्ष जो भी हैं, हम इसके लिए पूरे कटिबद्ध हैं कि जो भी जिसका रिजर्वेशन है और जो भी परिसीमन के हिसाब से, जो भी पॉपुलेशन के हिसाब से, जहाँ जो भी हम गाइडलाइंस दिए उसको हम फॉलो करेंगे और उसी हिसाब से कर रहे हैं। जी सर, ये भी मैं चाहूंगी आपसे कि आप भी हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियरली बताइएगा कि कोर्ट में इस दौरान आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया था, क्योंकि कोर्ट ने आपसे सवाल किया था, आरक्षण को लेकर पूरा सवाल हुआ था, तो आपकी तरफ से ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो मजबूती से रखे गए थे? देखिए अभी क्योंकि ये मैटर जो है करीब 4:40 से 50 मिनट के आसपास टेकअप हुआ है ये, तो इसमें अभी कोई बहुत कानूनी पक्ष या कोई फैक्चुअल एस्पेक्ट अभी डिस्कस नहीं हुआ है।
अभी सिर्फ ये हुआ कि काउंटर एफिडेविट फाइल हो गया, रिज्वाइंडर एफिडेविट आ गया है, अब इसकी सुनवाई कब की जाए और जल्दी से जल्दी की जाए और इस पर निर्णय आ जाए। अभी इस पे किसी मेरिट पे कोई डिस्कशन कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ है जी। अगर सर कल फैसला नहीं आता है इस पूरे मामले पर तो कितना और इंतजार करना पड़ सकता है, कितने दिन और सुनवाई चल सकती है? देखिए हमारा मानना ये है कि चूंकि इसमें बहुत कानूनी पहलू इन्वॉल्व है, फैक्ट्स पे बहुत बहस नहीं होनी है, तो इसमें बहुत लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय और हम सभी लोग मिलकर इसमें जल्दी जल्दी फैसला सबके समक्ष आ जाए, इसकी कोशिश करेंगे जी। चलिए बहुत धन्यवाद सर आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो वीके शाही को आप सुन रहे थे, एडवोकेट है जनरल जो कि सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे और उन्होंने बताया कि क्या कुछ कोर्ट में हुआ है और मजबूती से अपनी दलीलें उन्होंने रखी, अपना पक्ष उन्होंने रखा और अब जो कल है पूरे मामले पर फैसला आना संभव है। कल अगर फैसला आता है तो अब जो चुनाव को हरी झंडी मिलती है कि आगे और इंतजार करना पड़ेगा, इस पर जो सस्पेंस है वो खत्म होगा। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, सरकारी पक्ष की तो हमने दलीलें सुनी कि उनकी तरफ से जो भी पक्ष था वो रखा गया था, जो भी बात उनको कहनी थी उन्होंने कही, लेकिन दूसरी तरफ पर अगर याचिकाकर्ता की बात की जाए तो उनकी तरफ से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे कौन से पक्ष थे जो रखे गए? देखिए ऐसी डबल बेंच पर सुनवाई हो रही थी और करीब आधे घंटे की सुनवाई चली है, उसमें याचिका पक्ष जो है उसने जो एफिडेविट अपने लगाए थे और जो पीआईएल उन्होंने दाखिल की थी उसको लेकर जज ने एक तरह से अपनी नाराजगी जताई या उनको असंतोष कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि वो असंतोष नजर आए। उन्होंने कहा कि आपने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने जो पीआईएल दाखिल की है वो किस आधार पर की है, यानी एक टेक्निकल पहलू होता है, कानूनी पहलू होता है और एक होता है जो जनता है यार अपनी जो जानकारियां हैं जो अपना जनरल नॉलेज है उसके हिसाब से। तो ये कहा गया कि बहुत सारी चीजें उसमें पीआईएल में गड़बड़ थी। उन्होंने याचिकाकर्ता को एक कड़े शब्दों में कहा भी कि आप पीआईएल अच्छी तरह से आपने फाइल नहीं की है और इस बात को लेकर नाराजगी जताई और बहुत सारी चीजें जो कि टेक्निकल उसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं था जो तकनीकी तौर पर बड़ा मजबूत हो। उन्होंने कहा कि हाँ ये व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ही पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट ने उसको बहुत ज्यादा एंटरटेन किया चूंकि इस मामले में 27 पीआईएल एक साथ दाखिल हुई है। ये लखनऊ हाईकोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है उसमें तमाम जनपद है, बुलंदशहर है, सीतापुर है, प्रतापगढ़ है, वहां से 27 याचिकाएं एक साथ दाखिल हुई थी। कुछ याचिकाएं इलाहाबाद बेंच में है, जो प्रयागराज बेंच है वहां पर है, यानी यहां जो सुनवाई हो रही थी वो लखनऊ हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के जनपदों की पीआईएल पर हो रही थी। 27 कुल याचिकाएं हैं और उनको कोर्ट ने कहा कि अगर पीआईएल कहीं भी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, कमजोर पाई जाती है तो हम सबको खारिज कर देंगे और उसके बाद एक ही पीआईएल पर सुनवाई होगी। ये महत्वपूर्ण निर्णय एक तरह से निर्णय इसको कहेंगे क्योंकि आज जो सुनवाई हुई है उसमें बहस मुबाइसे खूब हुए, गर्मा गर्मी कई बार हुई, आधे घंटे में ही कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था, गर्मी ये समझ लीजिए कि एसी चल रहे थे, इतना गर्म माहौल हो गया था कोर्ट रूम का। तो वहां सुनवाई के बाद जज ने कहा कि नहीं, दोनों ने करीब 5 मिनट तक डिस्कशन किया, दोनों जो पीठ थे उन्होंने डिस्कशन किया, उसके बाद तय हुआ कि इस मामले को कल फिर से सुनवाई होगी और कल सुनवाई के बाद इसमें कोई निर्णय आ सकता है। यानी जो बेंच थी डबल बेंच वो संतुष्ट नहीं थी किसी भी तरह से, जो इनकी राज्य सरकार की तरफ से एक जवाब दाखिल किया गया था, एफिडेविट दाखिल किया गया था, काउंटर एफिडेविट, उस पर भी उन्होंने उसको कहा है कि सही तरीके से लाएं और सारी बातें, यानी आरक्षण का जहां जहां जो जो आरक्षण किया गया है, कई जगह बहुत सारी याचिकाएं ऐसी हैं, प्रतापगढ़ की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, तो वहां आरक्षण के तमाम ऐसे आंकड़े पेश किए गए हैं जो पूरी भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपका जो काउंटर एफिडेविट है उसको भी एक बार चेक करें और दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता है उनको भी कहा कि अपनी याचिका को और थोड़ा सा जो कानूनी पहलू है वो उसमें लाएं, उसके बाद ये कल सुनवाई होगी। यानी दोनों तरफ से कागजों की मजबूती के साथ कल फिर से सुनवाई होगी और कल ही इसमें फैसला, कोई ना कोई फैसला आ सकता है क्योंकि अगर ये अभी टल गया तो ये लंबा वक्त लगेगा। आज जैसी कोर्ट रूम के बाहर चर्चा हो रही थी, अगर लगभग सारे वकील जिनसे मैंने बात की वो सब, उनको सब एक तरह से अंदाजा था कि ये चुनाव टलेगा और अप्रैल मई तक जाएगा, यानी होली के बाद जो बोर्ड एग्जाम है उसके बाद और होली के बाद फिर अप्रैल या मई तक चुनाव जाएगा, ये चर्चा हो रही थी। लेकिन कोर्ट ने कल की तारीख देके एक तरह से उनकी चर्चाओं को विराम लगाया है और कल इस पर कोई निर्णय आ जाएगा। अगर निर्णय आ जाता है तो एक दो दिन में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद जो आगे, यानी 35 से 40 दिन का प्रक्रिया पूरी होती है इस पूरी चुनाव की, नामांकन से लेकर जो नाम वापसी होते हैं, स्क्रूटनी होती है, फिर उसके बाद
जो प्रचार का समय होता है, फिर जो मतदान होता है, मतदान के बाद फिर काउंटिंग होती है, पूरी 35 से 40 दिन की प्रक्रिया होती है। यानी अगर दो दिन या तीन दिन भी लगते भी हैं राज्य सरकार को तारीखें घोषित करने में, तो उसके बाद से माना जाए कि 35 से 40 दिन का समय, यानी जनवरी के लास्ट के आसपास कहीं 20 जनवरी या 25 जनवरी ऐसे चुनाव वो होगा। और उसके बाद फिर जो बोर्ड एग्जाम, चूंकि फरवरी को बोर्ड एग्जाम है, इसलिए सरकार चाहती है कि पहले पहले जनवरी के पहले पहले खत्म कर लिया जाए, पूरी चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाए, जिससे बोर्ड एग्जाम, चूंकि इसमें ड्यूटियां लगेंगी, तमाम शिक्षकों की ड्यूटियां लगती हैं, चुनाव में भी उनकी ड्यूटियां लगती हैं, तमाम विभागों को एक्टिव रहना पड़ता है, तो फरवरी के पहले यानी बोर्ड एग्जाम के पहले चुनाव कराने की पूरी कोशिश है। अगर कल कोई फैसला राज्य सरकार के जो तैयारी है उसके खिलाफ आता है, उसके विरोध में आता है, तो फिर ये चुनाव अप्रैल मई तक जाएगा, यानी बीच में दो तीन महीने जो आ रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च वो रुक जाएगा पूरा, और उसके बाद आगे। और इस दौरान जो प्रक्रिया होती है, अगर चुनाव टल जाता है, जैसा कि बिहार में हुआ, बिहार में भी बिल्कुल यही सेम स्थिति थी, बिहार में भी सरकार ने जो आरक्षण किया था उसके बदले कोर्ट में गए सब लोग, अपील दाखिल की और कोर्ट ने रोक लगा दी, हालांकि डेढ़ महीने दो महीने रोक लगी रही, और अभी दिसंबर 18 दिसंबर को ही बिहार में निकाय चुनाव हुए हैं, तो वही स्थिति कुल मिलाकर यूपी में भी ऐसी ही हालात बन रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। ये ऐसी स्थितियां ना हो, इसके लिए दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और कि एक समाधान निकला है, एक रास्ता निकला है, जिससे चुनाव प्रशासकों के हवाले नगर निकाय ना होने पाए। चलिए, बिल्कुल, अब इंतजार है विवेक कल का कि कितना फैसला कल आता है, और जो सस्पेंस है, जो बरकरार है निकाय चुनाव पर, वो हटता है या फिर हरी झंडी मिलती है, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, और शैलेश आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। पहले खबरों में आगे बढ़ेंगे तो स्मृति ईरानी का कांग्रेस और अजय राय पर पलटवार सामने आया है। कांग्रेस के नेता गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और काशी का संस्कार नहीं है गाली देना। स्मृति ईरानी का ये बड़ा बयान, कांग्रेस में ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, गांधी खानदान का यही संस्कार है। तो स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है अजय राय के बयान पर। कांग्रेस पार्टी में भारतीय सेना के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, सेना के लिए इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल करना, महिला जनप्रतिनिधि जो उनके अध्यक्ष को हरा चुके हों उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, अथवा स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित साधारण हिंदुस्तानियों को कुत्ता कहना, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? वो कौन सा कल्चर है जिसको गांधी खानदान ने सर्टिफाई किया है कांग्रेस में? प्रश्न ये उठता है, क्योंकि ये सारे बयान, चाहे महामहिम राष्ट्रपति की जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी को मौत के घाट उतारने की बात हो, चाहे भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी हो, ये सारी टिप्पणियां कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सर्वसम्मति से, कई टिप्पणियां तो गांधी खानदान की उपस्थिति में दी गई। तो ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता अजय राय से पूछताछ के लिए पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। सोनभद्र से रवाना हुई पुलिस की टीम। भाजपा महिला मोर्चा ने अजय राय पर मामला दर्ज करवाया था और स्मृति ईरानी के अभद्र टिप्पणी मामले में केस दर्ज कराया था। अब ये जानकारी मिल रही है कि जो पुलिस की टीम है वो पूछताछ के लिए रवाना हो चुकी है। सोनभद्र से पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। कल भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनभद्र में चलाई जा रही थी, उस समय विधायक श्री अजय राय जी के द्वारा जो स्मृति ईरानी जी पर टिप्पणी की गई है, उसको लेते हुए यहाँ के महिला मोर्चा के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है, एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की धाराएँ हैं 354A, 501 और 509। इसमें उनके द्वारा जो है स्मृति ईरानी जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। एक पुलिस टीम यहां से रवाना की गई है। और कांग्रेस नेता अजय राय की स्मृति ईरानी पर दिए बयान पर सफाई सामने आई है। लटके झटके शब्द आम बोलचाल की भाषा है, अजय राय का ये कहना है। लटके झटके शब्द बनारस और पूर्वांचल में बोले जाते हैं, लटके झटके का इस्तेमाल करना बुराई नहीं है। तो स्मृति ईरानी पर विवादित बयान दिया था जो लगातार अब गर्माता जा रहा है, और अब इस पर अजय राय की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश में,
कल उन्होंने सोनभद्र में एक बयान दिया था केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर, जिसको लेकर भाजपा में बहुत आक्रोश है। आज हमारे साथ हैं अजय राजी, उनसे जानेंगे कि क्या बयान था और क्या मंशा थी उनकी। देखिए, आक्रोश में है क्या है वो तो उनकी बात है। मैंने जो बोला था, मैंने ये बोला था कि जब एक जनता किसी भी लोकसभा विधानसभा में चुनाव जिताती है तो अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षा ये होती है कि वो हमारे बीच में रहेंगे, हमारे सुख दुख में रहेंगे और हमको काम मिलेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, कल कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगे, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनेंगे। उस संदर्भ में अमेठी में कोई काम नहीं हुआ। जो कल कारखाने कांग्रेस के समय में स्थापित थे, जगदीशपुर में प्लांट था, भेल का कारखाना था, तमाम स्कूल कॉलेज, ट्रिपल आईटी में काम हो रहा था राहुल जी के समय, पूरा का पूरा एक बड़ी फैक्ट्री आई थी, उसको भी काम उसको भी ड्रॉप करा दिया गया। इन सब संदर्भ में मैंने बोला था और केवल मैंने कहा था कि वो आती हैं और वहाँ जनता के बीच में लटके झटके देकर चली जाती हैं। जैसे अपने ये हमारे यहाँ सामान्य भाषा है, हमारे इधर की सामान्य भाषा है कि का भैया बड़ा लटक के बतियाओ तो, बड़ा झटके बतियाओ तो, ये अपनी भाषा है। मैंने इस तरीके से बोला था, ये आते हैं और केवल लोगों के बीच में अपनी बात को कह के चली जाती है, ये मैंने वो बोला था। और विकास के संदर्भ में कि जो अमेठी का विकास था वो विकास ठप पड़ा है, रुका है। जो कल कारखाने वहाँ दौड़ते थे, हजारों वहाँ पर लोग श्रमिक काम करते थे, लोग काम करते थे, वो काम बंद है, अपने घर बैठे। शशांक शेखर पांडे, ABP गंगा, चंदौली। प्रयागराज से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल के काफिले की गाड़ी पलटी, स्कूटी सवार को बचाने की कोशिश में ये मजिस्ट्रेट की कार पलटी, हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। प्रयागराज के नैनी सब्जी मंडी के पास ये हादसा हुआ है और कार पलटने से गवर्नर की फ्लीट प्रभावित हुई। दीक्षांत समारोह से शामिल होकर गवर्नर लौट रही थी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था जिससे गवर्नर वापस लौट रही थी और अचानक से बीच में ये हादसा हुआ जहां जो काफिले की गाड़ी थी वो पलट गई। जानकारी ये मिल रही है कि स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में ये जो गाड़ी थी ये पलट गई, हालांकि सभी लोग इसमें सुरक्षित हैं। और अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ में असली घड़ी गांव में छात्रा का शव मिला है। छात्रा का गांव के बाहर खेत में शव मिला है। हत्या कर शव को खेत में फेंकने की आशंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां असली गड़ी गांव में छात्रा का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा का गांव के बाहर खेत में शव मिला है। प्रथम दृष्टया यही आशंका जताई जा रही है कि हत्या करके शव को खेत में फेंका गया है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, असली गड़ी गांव का ये पूरा मामला है जहां खेत में एक छात्रा का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि हत्या करके इस शव को वहां फेंका गया है। हालांकि पुलिस आगे की जांच कर रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।